हे गाइस, मैं बेलबुगो और स्वागत है आप लोगों का जादुई नगरी के अंदर। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, एंड ये है मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड जो कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा पीछे पोर्टल देख रहे हो भाई, फुल अमीरी बारी बातचीत है भाई। आयरन के ब्लॉक्स लगा रखे हैं भाई ने ऐसी थोड़ी, एंड अभी पोर्टल एकदम मस्त काम करता है। इसके अंदर बाहर जाने से मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं होता, वरना पहले मैं उधर टेलीपोर्ट हो जाता था, पता नहीं कैसे ग्लिच सा था। तो मैंने इसे सारा तोड़ा, उधर से भी तोड़ा, एंड इसे दोबारा बनाया, एंड इट्स वर्किंग फाइन। बाकी यहाँ पे बिल्लियाँ बैठा दी है मैंने, काफ़ी ज़्यादा यू नो क्यूट क्यूट सी बिल्लियाँ होनी चाहिए, थोड़ी क्यूटनेस लगे अपने विलेज में। एंड मेन बात यह है कि यहाँ पे क्रीपर्स नहीं आएंगे इनकी वजह से। एंड इधर तुम्हें एक मस्त चीज़ दिखाऊँ, टन टन, ये देखो मेरा पूरा का पूरा विलेज एकदम, मतलब अपना जो ये होम है, होम स्वीट होम विलेजर्स का एकदम भर चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पे। एंड मेन चीज़ यहाँ पे जो है, किधर है वो बंदा, इधर छुप गया भाई, मेरे हाथ ही छुप गया। ओ ये रहा ना, ये देखो एक आँख का काना बंदा, ये मेरे को ये देता है अनब्रेकिंग वाली एक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद आएगी हमारे पेड़ काटने के। बाकी यहाँ पे कुछ अनब्रेकिंग थ्री वाले बंदे भी हैं, एक प्रोटेक्शन, नहीं ये नहीं है, प्रोटेक्शन वाला भी था एक, ये प्रोटेक्शन फोर वाले भी हैं, मैंडिंग के भी हैं, एफिशिएंसी वाले भी हैं, एक दो, एक ही मतलब एफिशिएंसी वाला तो ज़्यादा नहीं है, अभी चार पाँच ये विलेजर ना। तो आज का मेरा कुछ प्लान ऐसा है दोस्तों कि आज हम बनाने वाले हैं कुछ फार्म्स, वो भी ऑटोमेटिक फार्म्स। अब मैं फार्म्स क्यों बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो मैंने मार्केट तो खोल दिया है, बाजार अपना एकदम ओपन हो चुका है, उसमें अपने पास बंदे आ चुके हैं जो अपना काम करेंगे, ठीक है, विलेजर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो नहीं है वो है पैसा। ए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं। पैसा छोड़ो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें चल के दिखाऊं मेरी स्टोरेज के अंदर क्या है, तो तुम ऐसे एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि भैया ये क्या देख लिया रे, ये तो कुछ नई चीज देख ली। ये देखो सिर्फ 2 एमरल्ड दोस्तों, सिर्फ 2 एमरल्ड। मेरे से गरीब देखा तुमने, नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूँ नहीं देखा होगा भाई। ये देख सकते हो इतनी ज़्यादा आयरन की एक्स, क्योंकि मैंने उस आर्मर को, नहीं आर्मर नहीं, वेपन स्मिथ को अपग्रेड करा था, दैट्स वाई। बाकी ये फालतू के मैप है, इन पर गलती से क्लिक हो रखा है, तो इसका मेरा वर्ल्ड आ रखा है। और मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास ना। तो आज मेरा प्लान है ऑटोमेटिक फार्म बनाने का। एंड तुम्हें एक मस्त बात बताऊँ, कुछ भी तैयारी नहीं करी मैंने ऑटोमेटिक फार्म के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है लिटरली। यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये देखो कुछ भी पिस्टन विस्टन दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिखेगा भाई, है ही नहीं, ना ही मेरे पास ऑब्जर्वर है, कुछ भी नहीं है भाई। रेड स्टोन है थोड़ा बहुत, सब कुछ बनाना पड़ेगा, और मुझे क्या पता मुझे स्लाइम की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी लेके आनी पड़ेगी, मतलब जीरो कुछ नहीं है मेरे पास। तो आज वही करने वाले अपन, फार्म बनाने वाले हैं। एंड मैं कोई ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म नहीं बनाने वाला, वो तो भूल जाओ तुम भाई। आज के ज़माने में 2024 में ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बना के अगर तुम इन विलेजर से ट्रेड करने वाले हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग तरीका है। यू नो शुगर केन फार्म का इंतजार करो, 10 साल में वो 2 शुगर केन देगा, फिर उन्हें उठाओ, इनके पास लेके जाओ, एंड इन्हें बेचो, बेकार चीज, नो आई डोंट लाइक इट। तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हमें जल्दी जल्दी ट्रेडिंग कर सके, एंड तुम लोगों को मज़ा आएगा, तुम लोगों को कुछ पता चलेगा नया कि कैसे प्रोलॉग्स अच्छे अच्छे फार्म्स बनाते हैं। यू नो तुम लोगों ने भी नहीं बनाएंगे उस टाइप के फार्म्स अपने विलेज में ही, क्योंकि मैं ही बनाने वाला हूँ ना, आई एम यूनिक, यू नो। तो ये वाला एरिया मेरे को क्लियर करना है, मैंने पहले से प्लान कर रखा है पूरा एरिया क्लियर करने का। यहाँ से यहाँ पे एक केव भी है, बट इतना दूर अपन में जाने नहीं वाले ना अभी, अभी अपन यहीं पे फार्म बना लेंगे, तो उतना केव के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इस केव को भी क्लोज करना है मुझे पूरा का पूरा, मैं इस पे स्टोन लगा के फिर क्लोज करने वाला हूँ इसको, ताकि क्रीपर फटे तो कोई दिक्कत ना आए, तो वो चीज़ अपन करेंगे। एंड आयरन फार्म तो मस्त काम कर रहा है अपना, 2 फार्म बनाने का ट्राई करूंगा मैं आज, जो कि ट्राई तो क्या 2 ही बनाने वाला हूँ, प्लान कर रखा है मैंने पहले से ही, फार्म भी मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं 2। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, यहाँ से सफाई करना चालू करें। ओह नो, पत्थर आ गया, पत्थर को काटना पड़ेगा पिकेक्स से, इसे काटने के बाद इस पर डट लगानी पड़ेगी, बहुत काम है दोस्तों, मिलता हूँ 2 मिनट में ही। मेहनत करके पूरा एरिया एकदम इससे मैंने क्लियर कर दिया है। एंड अब जो मेरे को करना है वो है यहाँ पे एक चेस्ट लगानी है, उसमें सामान रखना है जो जो सामान हमारा यूज़ होने वाला है उस फार्म के लिए। एंड अगर तुम वो सामान देख के गैस कर पाए कि मैं कौन सा फार्म बनाने वाला हूँ, देन कमेंट्स में कर देना, हाँ लेकिन वीडियो को कट करके मत देखना, वो चीटिंग होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे चेस्ट पड़ी है मेरे पास, नहीं हाँ मेरे पास चेस्ट कभी होती भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो एक चेस्ट बना लेंगे अपन, एंड इस फार्म के लिए मेरे को अभी लगेंगे मतलब बहुत ज़्यादा सामान लगेगा, हद से ज़्यादा सामान, ठीक है। तो डर्ट मेरे को मिली है काफ़ी ज़्यादा, तो डर्ट को रख देते हैं इसमें, क्योंकि डर्ट की अभी ज़रूरत है नहीं मेरे पे, इसमें भी देखो बहुत सारी डर्ट पड़ी है, तो अभी इसको लगा के चलते हैं वहाँ पे। एंड चलो इसको ना अभी अपने पास ही रखते हैं, इसको ऐसे लगाते नहीं है,
40 पिस्टन 40 ऑब्जर्वर लगेंगे अपने को, एंड पिस्टन कैसे बनता है मुझे नहीं पता, अभी सर्च कर लेते हैं पिस्टन। एक आयरन इंगोट एंड रेड स्टोन डर्ट, बाकी कोबल स्टोन। ब्रो कोबल स्टोन में दिक्कत आने वाली है, मेरे पे पड़ा होगा इतना कोबल, कहाँ पे है? ओ नहीं मेरे पे है, या पीच पीची ऑलमोस्ट काम बन जाना चाहिए इतने से मेरे हिसाब से, तो 40 तो बन ही जाएंगे यार। 55 इसमें से निकाल लेते हैं, रेड ब्लॉक इनको कन्वर्ट करो, 36 44 एंड थोड़ा सा वुड है ना, तो वुड के लिए मैं सारे उठा लूँगा जो भी हैं जिस भी टाइप के अपने पे, सब काम आ जाएंगे। EGPG पिस्टन। अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं रेसिपी बनाऊँगा खुद से? सिर्फ 29 ही बने? नो दैट्स नॉट ग्रेट, किस चीज़ की कमी पड़ी मेरे पे? ओ नहीं नहीं बन रहे बन रहे, ओ 44 लेट्स गो। मैं वही सोचा भाई किस चीज़ की कमी पड़ी भाई मेरे पे, मेरे को पे तो सब है, एक्स्ट्रा ही है बाकी। चलो बोर्ड को इसमें रख दो, टेबल स्टोन को इसमें रख दो, एंड आयरन को इसमें। तो 40 अपने बन चुके हैं, नेक्स्ट मेरे को एक होपर चाहिए होगा, तो वो होपर बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ सारा सामान बना ही लेता हूँ, ठीक है फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। सारा सामान मैंने एकदम से कलेक्ट कर लिया अपनी चेस्ट के अंदर, देख सकते हो इतना सामान तुम्हें लगेगा अगर तुम्हें ये वाला फार्म बनाना है जो मैं बनाने वाला हूँ। एंड अभी ये सामान देख के बताओ मैं कौन सा फार्म बनाने वाला हूँ। बाय द वे तुम्हें पता लग गया होगा, जिन जिन लोगों को पता लग गया है वो कमेंट कर देना। एंड अभी चालू करते हैं बनाना, जो कि हम पहले इस फार्म को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10x10 से ना ऐसे एक वो बनाना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एंड मैं पम्पकिन फार्म बना रहा हूँ, एक ऑटोमेटिक पम्पकिन फार्म जिससे मेरे को हजारों लाखों पम्पकिन मिलेंगे, ठीक है। तो जो जो लोग गैस नहीं कर पाए थे उनके लिए ये है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करा। तुम्हें यहाँ से 10 ब्लॉक्स ऐसे खोदने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 10 1। अब इससे ऐसे भी ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके डन। अब इसको पूरे को कंप्लीट कर दो, एंड ये इसको कंप्लीट करना है तुम्हें दो नीचे तक, ठीक है। तो दो हाइट इसको डीप भी करना है, एंड ये बीच बीच में जो स्टोन आ रखा है ना भाई, बड़ा अनोइंग लग रहा है मेरे को। ये देखो कितना ज़्यादा नीचे भी भाई, कितना ज़्यादा स्टोन है, गलत बात है ब्रो ये, ठीक है। तो इसे ऐसे दो हाइट डीप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो सिस्टम बनेगा जहाँ पे अपनी सामान कलेक्ट होगा, ठीक है। ये एक फार्म था इसमें जो वैसे बनता है जैसे तुम्हारा शुगर केन फार्म बनता है, बट मैं ये वाला बना रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा स्लो है, वो ईजी है लेकिन वो थोड़ा स्लो है, एंड ये वाला सबसे बेस्ट है। तो अपन इस वाले के लिए जा रहे हैं, इसमें तुम्हें बीच में से सारा का सारा स्टोन हटा देना है, कुछ नहीं करना फटाफट से, अपना काम हो गया। अब तुम्हें एक चेस्ट वाले एरिया बनाना है जहाँ पे अपना सारा का सारा सामान आगे कलेक्ट होगा, तो मैं इस साइड से बनाने वाला हूँ वो। 1 2 3 ठीक है, तो तुम्हें 3 ब्लॉक यहाँ से साइड से बाहर आ जाना है, एंड फिर जो भी तुम्हारे पास ब्लॉक है जो भी तुम्हें अच्छा लगे। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपना ये सब ऊपर रख देता हूँ पहले। अब मैं यहाँ पे ये यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें से ये निकाल लेते हैं, होपर निकाल लेते हैं, चेस्ट निकाल लेते हैं, एंड पावर रेल्स, और क्या क्या चाहिए होगा अभी। चलो तो मैं ये वाला ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे करके तुम्हें ऐसे बना देना है एक, चलो ये बन गया, मस्त लग रहा है एकदम, शानदार लग रहा है। नहीं 1 2 3 4 5 5 हाइट तक बन चुका है ये, तुम्हें इतना ही बनाना है। इसके साइड में दो चेस्ट लगा दो, एक ऐसा करके एक ऐसा करके, एंड ये जो तुम्हारा रेड स्टोन कॉम्परेटर है इसको ऐसा लगाना, ये जो छोटा वाला एरो है ना, एरो इस साइड होना चाहिए, तो ये ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दो, ठीक है, एंड इस वाले को फिर तुम तोड़ सकते हो। यहाँ पे का तुम्हारा काम हो चुका है, होपर निकालो, ये देखो ये बन गया। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, एक टॉर्च निकालो एंड टॉर्च यहाँ पे रख दो, यहाँ पे टॉर्च रख दी तुमने। अब जो तुमने बटन लिया है, बटन मैंने नहीं लिया ना, बटन ही रहा। अब जो मैंने यहाँ से बटन लिया उसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा उससे ना। तो इसको बटन को ऐसे रख दिया,
यहाँ से रेड स्टोन निकालना है, उसको इस पे रखना है, रेल है थोड़ी सी, ठीक है, तो मैं रेल निकालूंगा एंड उसको यहाँ पे रख दूंगा। तो अब देखो ये रेल ग्लो कर रही है, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये लगाना है ऐसा 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 ऐसा, ये आ गया पूरा का पूरा एरिया मस्त करके। अब तुम्हें इस पूरे के पूरे एरिया में ना बस रेल ऐसे बिछा देनी है जैसे तुम नॉर्मली बिछाते होगे, तो उस टाइप से कुछ करना है। तो वो अपन कर देते हैं अभी फटाफट से, इजी पीजी रहेगा। एंड बीच बीच में तुम्हें वो डाल देना है इसमें एक अपना रेड स्टोन का लेयर, जो कि मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है। इसे ऐसे दो भार लेके आओ, ठीक है, दो भार आ गया ये, यहाँ से ऐसे माइन कर दो बीच में से, क्योंकि पावर भी तो जानी चाहिए ना, वरना पावर रेल भी तो यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रेल से अपना माइन कार्ट रुक जाएगा थोड़े टाइम में। तो ऐसे तुमको डिक कर लेना दोनों साइड से, इस साइड से हो गया, एक ब्लॉक निकाल के बाहर निकलते अपन, इसको तोड़ लेते हैं। एंड ऐसे ही तुमको इस साइड भी करना है, तो दो ब्लॉक छोड़ दिए, अब ये वाला तीसरा वाला ब्लॉक। भाई वाह, एक तो रात हो गई भाई, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, अगर क्रीपर आके फटा ना यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मेरे को अभी इस टाइम पे कोई क्रीपर व्रीपर नहीं चाहिए भाई यहाँ पे। चलो इसको ऐसे कर देने का भाई, कहाँ से आते भाई ये नंगे लोग, वो देखना उसको पिटेगा मेरे से लामो वाला बंदा, मारूंगा उसको, पहले जोंबी पेल देते हैं, अब लग जावे थोड़े टाइम, माइनक्राफ्ट क्या नहीं खेला, जोंबी पे शॉट ही नहीं लग रहा, खड़े जोंबी पे भाई। चलो किधर है, किधर है ये, किधर है ये, क्या दे रहा है, निकल, रुक जा तेरे लामा को पेलूंगा, पहले तुम ही मरो बे, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, और बहुत बेकार आदमी हूँ मैं, मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही तुम पे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम पे दया दिखाऊंगा कि ओहो क्यूट से बंदे हैं इनको नहीं मारते प्यारे प्यारे लामा, तो नहीं, ये लो, आई एम वेरी बैड एस ब्रो। चलो यहाँ से अपन को टॉर्चेस निकालनी है एंड इसके नीचे सारे टॉर्चेस लगा देंगे, ठीक है, काम के बीच में कोई पसंद नहीं है मेरे को। एक तो ये पता नहीं कैसे स्पॉन कर देते लामों को भाई कहीं पे भी, अरे बंदा काम कर रहा है मेरे मुंह पे स्पॉन कर दोगे क्या, छाती पे बैठा दो उसको मेरी ना। अब इसको पूरे को एरिया को कवर कर दो, ऐसा करके मस्त विषय हो जाएगा। मैं इसमें पहले तो स्टोन यूज़ करने वाला था, फिर मैंने सोचा स्टोन थोड़ी कॉमन चीज़ हो जाएगी तो ये यूज़ कर लेते हैं। अब तो मैं कुछ नहीं करना है, जो तुम पावर रेल लेके आ रखे हो पावर रेल को एक इस पे लगाना है, और नहीं ये गलत हो गया, पावर रेल को इस पे लगाना है एंड जो नॉर्मल रेल है उसे नॉर्मल जगह पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रेल, फिर यहाँ पे पावर रेल, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल को ऐसा घुमा दो, यहाँ पे पावर रेल, तो इसको ऐसा ऐसा गोल 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 पूरा घुमाना है, ठीक है। तो वो काम मैं करता हूँ अभी 2 सेकंड में, लेके आना है, ठीक है, यहाँ से रोटेट, ओ वेट गलती कर रहा हूँ मैं बार बार ना, गलत रेल लगा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे ये, इधर नॉर्मल रेल, अभी उसको पूरा ना आगे तक नहीं लेके जाना, बिकॉज अपन इसको ऐसे घुमा के वापस उसमें भी तो डालेंगे ना, ताकि वो पूरा चलता रहे, ऐसे गोल गोल घूमता रहे अपने आप। अगर तुम इसे पूरा ऐसे कन्वर्ट यहाँ तक कर दोगे तो फिर वो गोल गोल नहीं घूमेगा, ऐसा ऐसा। अब यहाँ से क्या करना है तुमको, इधर से दो ब्लॉक इधर से छोड़े, यहाँ पे एक पावर रेल लगा दो, ठीक है, पावर रेल इसलिए कि ताकि पूरा पावर चलता रहे ना। यहाँ पे एक टॉर्च लगाने का, इसके ऊपर ऐसा यहाँ पे पावर रेल आ जाएगी, ठीक है, अब साइड से नॉर्मल रेल कर दो। अब यहाँ से दो ब्लॉक छोड़े, ठीक है, इस वाले पे अपना मस्त करके एक टॉर्च लगाओ, इसके ऊपर ब्लॉक, ये पावर रेल आ गया, ठीक है, इसको काट दो यहाँ से, एक पावर रेल अपन यहाँ पे भी लगा देंगे, ये मैं सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो यहाँ से मस्त चढ़ जाएगी अपनी, ये ऐसा करके एरिया बन चुका है अपना इजी पीजी। एक बार माइन कार्ट किधर अपने पे, माइन कार्ट ही नहीं है मेरे पे, वाह चलाऊंगा किसको यहाँ पे, ये रही माइन कार्ट। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं, हल्का सा धक्का मारते हैं, तो ये देखो ये मस्त ऐसा जाएगा, ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, फिर यहाँ से घूमेगा,
घूमी घूमी करता रहेगा ये ऐसा करके, ठीक है। इधर से घूमा, इधर से घूमा, ये देखो घूम रहा है, मस्त गया ऊपर गया, फिर ऐसा ये वापस आ जाएगा, ठीक है। टूट जा भाई, अबे टूट जा, अबे टूट जा, टूट टूट टूट, रुको आने दो इसको। ओ 2 बार में टूटेगा ये। आ ये पकड़ गया भाई, ये तो भग गया था बे, ये तो मिलता ही नहीं मेरे को जिंदगी भर, मैं तो ढूंढता रहता था पूरे टाइम। चलो ये काम हो गया अपना। करने के बाद तुमको क्या करना है, इधर से ऐसा एक एक ब्लॉक साइड से निकाल देना है, ठीक है। इधर साइड से एक एक ब्लॉक निकालने का, इस साइड से भी अपडेट लगा देते हैं। इधर से एक एक ब्लॉक निकाल दो मस्त करके। चलो अब इसके चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देना अपने को, इससे ये जो भी है ना ये, इससे एक बाउंड्री खींच देना इसके चारों तरफ। यहाँ पे बाउंड्री आ जाएगा मस्त करके, एक बाउंड्री इस साइड देना तुमको, ताकि अपना फार्म थोड़ा अच्छा लगे दिखने का। सुनो बाउंड्री रहेगी, इस पे ग्लासेस लगाएंगे मस्त करके, चमकेगा एकदम, एस्थेटिक लुक भी तो आना चाहिए ना। यहाँ से एकदम कवर, पीजी पीजी एकदम मस्त लग रहा है, कवर हो गया। यहाँ से क्लोज कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब अपन इसके ऊपर उगाने वाले हैं पम्पकिंस। पम्पकिंस उगाने वाले हैं अपन इसके ऊपर, पम्पकिन उगाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दो मस्त करके, काफ़ी छोटा फार्म है एंड इतना इजी नहीं है बनाना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आराम से बनाना अगर तुम बनाने वाले हो। हाँ बट एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है, एंड तुमका इसको दिखाऊंगा मैं मेन चीज़, मैं इसको बना क्यों रहा हूँ। अब तुम्हें क्या करना है ना, इसके बिल्कुल सेंटर से, तो इसका सेंटर ये हो गया मेरे हिसाब से, हाँ इसमें एक ऐसा, ओ गलत लगा दिया सॉरी, ऐसा करके एक स्टेयर लगाना है। यहाँ पे एक वाटर बकेट डाल दो तुम, पानी अपने पे बहुत है, तो मैं यहाँ से एक और निकाल लूँगा, ठीक है। एंड अब बस तुम्हारा काम डन, एक खोई निकालो, एंड पम्पकिन जो फार्म करोगे तुम, फार्म करने वाले उसके लिए एक मस्त सा एरिया बना दो, ठीक है। एक ब्लॉक छोड़ के करना, मतलब जो भी कर रहे हो ना ऐसा ऐसा क्रॉस में कर सकते हो तुम। अब यहाँ पे कर दो, एक इधर एक इधर, एक ऐसा करके, तो एक एक ब्लॉक छोड़ के, क्योंकि एक सीड की जगह है एंड एक पम्पकिन के उगने की जगह है। फटाफट से इसके ऊपर सीड लगा दे। ओ भाई, ओ सीड उग गया, शो नहीं कर रहा था भाई मेरे को, बोला सीड गया कहाँ पे भाई। चलो सीड लगा देना इसके ऊपर, तुम चाहो तो इसके ऊपर बोन मील मार सकते हो, क्योंकि मैं बोन मील मारने वाला हूँ, बट अभी मत मारना ठीक है, वरना फिर ये ऐसे उगेंगे तो तुमको दिक्कत आएगा ना चीज़ें लगाने में, तो इतना जल्दी मत मारना, जब तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद मार सकते हो, या फिर नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा, अपने आप उगने दो इनको, तब तक अपना दूसरा काम कर लो। तो ऐसा एकदम मस्त हरियाली हरियाली हो गई है, तुम्हें लग रहा होगा छोटा फार्म है, बट ये छोटा नहीं है, क्योंकि पम्पकिन जो उगते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट उगते हैं, एंड ये वाला काफ़ी ज़्यादा फास्ट फार्म है, तो इसमें जल्दी जल्दी और उगेंगे, तो तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगा। क्या करना है, यहाँ पे एक ग्लो स्टोन, ठीक है, एक ग्लो स्टोन अपना इधर आ जाएगा, एक ग्लो स्टोन इधर आ जाएगा, एंड एक ग्लो स्टोन इधर आ जाएगा, प्लेस हो गया चलो, एंड एक ग्लो स्टोन अपना सेंटर पे आ जाएगा, इजी पीजी। इसके ऊपर 1 एंड 2, 2 ब्लॉक का हाइट करो, ठीक है, एंड इसको पूरे को कवर कर दो 2 ब्लॉक की हाइट से। अब ऐसे ऊपर बैठ के कवर करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसा 6x6 बनाओ, दूर कूदो, एंड यू नो ऐसे तुम इजी पीजी कवर कर सकते हो इसको पूरे को, क्योंकि इसके ऊपर अपने को मेन चीज़ लगाना है अपना मशीन जो काम करेगा, जो इसे ऊपर से तोड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली अब तुम्हारे यहाँ से चालू होता है टेक्निकल काम, जो तुम्हें पूरे के पूरे पिस्टन एंड ऑब्जर्वर्स लगाने हैं। तो ये जो डट ब्लॉक देख रहे हो, सारे जितने भी डट ब्लॉक हैं इनके जस्ट ऊपर, डट ब्लॉक के ऊपर खड़े हो, ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर तुम्हें लगाना है, एंड बिल्कुल इसके पास आ जाओ थोड़ा सा दूर, ये देखो ऐसा लगाना है, अगर थोड़ा सा दूर से लगाओगे तो गलत लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पास आके ना, बिल्कुल उसके चिपक के लगाना है ऐसा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ अगर नहीं लग रहा है तो, एंड देन ट्राई। तो ये थोड़ा यू नो धीरे धीरे काम है, अनोइंग लगेगा थोड़ा सा तुमको, फिर ऐसा जाके इधर वाला लगाना है, तो उसके बिल्कुल चिपक के एकदम ऐसा, फिर इधर वाला, तो ये वाला काम तुम्हें करना है। तुम्हें नेक्स्ट जो करना है वो है इसके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर दो ग्लास से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगी दिखने में। यू नो तुम्हें अंदर का सिस्टम दिखता रहना चाहिए ना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब तुम चाहो तो कोबल स्टोन लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम गरीब हो तो, बट यू नो आई एम रिच, तो हम इसके चारों तरफ ये लगाएंगे,
एंड यहाँ पे ये, अरे भाई ख़त्म ही हो गए। वाओ बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ तो। चलो इसके चारों तरफ ये लगा देते हैं फटाफट से। डन अपना काम, आप चारों तरफ से एकदम सिक्योर हो चुका है एरिया, तो तुम पानी डाल के डाल सकते हो। ठीक है अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसका जो ये देख रहे हो साइड की बाउंड्री छोड़ दो, ये जो मेन वाला ब्लॉक है ना ये वाले सारे निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हें इनके ऊपर लगाना है ऑब्जर्वर। ठीक है तो ये सारे के सारे जितने भी लगे हुए हैं ये सारे निकाल दो ऐसा करके, पीजी पीजी। क्या करना है कि ये जो अपना ऑब्जर्वर है ना ये ग्लास की तरफ ऐसा देखना है एंड ऐसा लगाना, इसका जो रेड वाला नहीं ये ऊपर की साइड होना चाहिए, बस इतना तुमको करना है। ये रेड वाला इसका ऊपर की तरफ है, डन सीन। बस रेड वाला ऊपर की तरफ रखो, ग्लास पे देख के लगाओ। ठीक है ग्लास पे देख के लगाओगे मस्त लगेगा, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लगाओ उल्टा सीधा दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है अब जो तुम्हें करना है वो करना है, इन सब के ऊपर एक एक ऐसे रेड वो लगा दो, रेड स्टोन अपना पीजी पीजी। ठीक है ऐसा रेड स्टोन लगा दो सब के ऊपर। ठीक है एंड बस एक क्लिक करना है, इसको ऐसे नहीं कर देना, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है तो वो वाली गलती मत करना, ये देखो वो वर्क करा ना उधर सा, ऐसे चारों तरफ से लगा दोगे सारे कनेक्टेड हैं। अब अपना स्टोन निकाल लो यहाँ पे ऐसा करके, ऐसा लगा सकते हो, तुम्हारा मन है तो लगाओ, नहीं मन है तो मत करो, ऐसा ना कोई ज़रूरी नहीं है करना। बट या आई एम डूइंग दिस, तुम्हें कुछ नहीं करना है अपना, बस माइंड कार्ट निकालना है। ये देखो माइंड कार्ट विद होपर, इसको ऐसा लो यहाँ पे रखो, ये चल पड़ा। अब जितना भी ये तुम्हें ये दिख रहा है ये अपना ये स्टोन दिख रहे हैं वो देखो सारे गायब होना चालू हो गए सारे एक एक करके, 1 2 3 इजी पीजी पूरा गायब मामला पानी। ठीक है अब वो इधर आएगा, इधर से खाली करेगा पूरा का पूरा सामान एंड वापस चला जाएगा थोड़े टाइम में, जैसे ही सारा सामान खाली होगा वो वापस चला जाएगा। ठीक है तो ये अपना वापस आ चुके सारा सामान एंड अभी ये थोड़ी देर तक बसते रहेंगे, क्योंकि वो जैसे जैसे सीड ऊपर आता है ना तो ऑब्जर्वर को फील होता है तो वो ऐसे करता है आवाज़, इसलिए मैंने कहा था अगर तुम इस पर वो मार सको तो मार देना, बाकी इसमें टाइम लगेगा अभी। तो ये था अपना पहला फार्म जो था पम्पकिन फार्म एंड अब मेरे को अनलिमिटेड पम्पकिन मिलने वाला है, जो कि अच्छी बात है, जो कि मुझे चाहिए भी था। ओ भाई एक काम करते हैं ना अपन, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं एज अ पम्पकिन फार्म। तो इसको ग्लास का बाउंड्री दें या सिंपल बाउंड्री दें ये बताओ, ग्लास का नहीं देते ना, सिंपल बाउंड्री देते हैं, क्योंकि ऐसा अगर ये ऊपर से खुला रहेगा तो कोई भी आ जाएगा ना इसके अंदर एंड इसके बिल्कुल चिपका मत देना भी बाउंड्री अगर तुम लगा रहे हो तुम लोग, तो इससे थोड़ा दूर ही रखना बाउंड्री से। एस्थेटिक लुक आ चुका है इस फार्म का, कितना प्यारा लग रहा है देखने का, अंदर जाके तुम ऐसा देख सकते हो मुगा का नहीं है अपना मामला पानी ना एंड इसमें चेस्ट में आया कि नहीं। बाकी मैं से चाहता तो और सजा सकता था बट मैंने सोचा रहने देते ना, ज़्यादा सजा हुआ अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने ऐसा कुछ करके बना दिया। बाकी इनकी जगह सोच रहा हूँ मैं कुछ और लगा दूँ, ये थोड़ा दिखने का अच्छा नहीं लगते, बाद में चेंज कर दूंगा इनको ना, कुछ और लगा दूंगा इनकी जगह। एंड जो मेन चीज़ है वो ये है कि अभी मुझे देखना है कि फार्म कितना अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा इसके उगने का, ये जो छोटे छोटे ना ये अपने उगेंगे तब तक का वेट करना पड़ेगा। पूरा पूरा फार्म एकदम रेडी हो चुका है एंड यू नो मैं थोड़ा सा एएफ किया था हल्का सा, मैं बस वेट कर रहा था कि सारे के सारे जो पम्पकिन के सीड मैंने लगाए हैं वो उग जाएं। अभी प्रॉपर अच्छे से उगे भी नहीं है वो सारे, अगर मैं तुमको चल के दिखाऊं तो ये देख सकते हो कुछ कुछ तो छोटे ही हैं, बस हल्के हल्के से उगे हैं, हल्के हल्के से नहीं उगे। तो इनको मैं चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, या ये जो साइड वाले ना इन पे तो मैं वो कर सकता हूँ अपना बोन मिल मार सकता हूँ, बट अंडर वालों पे नहीं मार सकता। तो मैंने थोड़ा सा वेट करा, मैं सोचा उग जाए तो देख लेते हैं कितना निकला होगा, अभी चल के देखते हैं इसमें। ओके दैट्स इनसेन, एक स्टैक प्लस 15 एंड अब मैं तुम्हें इनका यूज़ दिखा सकता हूँ अगर मेरे पे एक लाइब्रेरियन हुआ तो। लेट मी चेक, ओ नहीं नहीं वेट मेरे पे नहीं है, मेरे को पता है मेरे पे नहीं है, हाँ मेरे को अभी याद आया, हाँ मैंने वहाँ पे फार्मर तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो होगा भी तो लेवल 1 होगा, हाँ उससे पहले लेवल अप करना पड़ेगा। तो मैंने ये फार्म इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें पता होगा फार्मर पम्पकिन खरीदता है एंड वो सिर्फ 4 पम्पकिन में तुम्हें एक एमरल्ड देता है एंड मेरे पास यहाँ पे स्टैक आ रहा है, समझ रहे हो तुम, एंड ये तो अभी सारे अंदर के उगे भी नहीं है, अगर वो एक बार अच्छे से प्रॉपर उग जाएंगे ना तो ये इनसेन फार्म बन जाएगा।
अब तुम सोचो, तुम उसमें से वो कलेक्ट करोगे, शुगर केन कलेक्ट करोगे, वो शुगर केन कितने का देता है? अगर तुम पे एक स्टैक शुगर केन है तो तुम 2 एमरल्ड ले सकते हो, बट अगर तुम पे एक स्टैक पंपकिन है, जो कि कलेक्ट करना शुगर केन से भी ज़्यादा ईजी है, आई थिंक सो, क्योंकि ईजी है, क्योंकि यू नो शुगर केन फिर उनकी एक लिमिट भी तो हो जाती है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 4-5 फार्मर बनाऊंगा जो पंपकिन लेंगे, एंड देन उन्हें पंपकिन दूंगा आराम से, एक ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में मैं आराम से 4 से 5 स्टैक एम्बलर निकालने वाला हूँ इसकी मदद से। एंड जो दूसरा फार्म हम बनाएंगे उसकी मदद से और ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि जो सेकेंड फार्म जो हम बनाने वाले ना, उसकी जो चीज़ें हैं वो आर ये जो अपने फार्मर हैं ये रीसेट कर लेते हैं काफ़ी जल्दी, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी पंपकिन 2 बार रीसेट करेंगे दिन में तो ईजी पीजी हो जाएगा अपना, तो अपने पे ये काम तो हो चुका है। बाकी शुगर केन है इतना कि मैं अपने लाइब्रेरियंस का अपग्रेड कर सकूँ, तो इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी सेकंड फार्म मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर वो वाला फार्म भी इस वाली वीडियो में बनाया तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा या फिर ऑफलाइन बैठ के बना लूंगा। तुम लोग मेरे को बता देना, कमेंट कर देना अगर तुमको एक अलग से वीडियो चाहिए तो। ऐसा कोई वो नो बड़ा फार्म नहीं होने वाला, वो मे भी तुम लोगों ने देखा भी होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, मैं आई डोंट नो अगर तुम में से किसी ने देखा है तो, बट ऐसा नॉर्मल फार्म ही है। हाँ ये वाला तो आई नो, पम्पकिन फार्म तो बहुत कम लोग बनाते हैं अपने वर्ल्ड में, तो ये मैंने इसका एक वीडियो बनाया ताकि तुम लोग भी बना सको। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। लेट्स गो, बाय बाय। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my